दोस्तों वानखेड़े पर खेले जा रहे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के मुकाबले में एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने अपनी चमक से सबको चौंका के रख दिया। उन्होंने जिस तरह से आज बल्लेबाजी की उसे देखकर जहां मुंबई इंडियंस के खेमे में खुशी की लहर दिखी, वहीं सूर्य कुमार यादव की तपिश से गुजरात टाइटन के गेंदबाजों के पसीने छूटते नजर आए। एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव का बल्ला धारता नजर आया और यही कारण रहा कि सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल के इस मुकाबले में कुछ ऐसा करके दिखाया जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बताएंगे आपको कि सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्या किया, इसलिए अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों टॉस जीतकर जैसे ही मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला, वैसे ये मानकर चला जा रहा था कि मुंबई इंडियंस ये मुकाबला हार जाएगी, और होता भी कुछ ऐसा ही दिखा। पहले 6 ओवर के बाद लगातार गिरते विकेटों से एक बार फिर मुंबई इंडियंस दबाव में नजर आए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर दूसरे छोर पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसे देखकर सचिन तेंदुलकर से लेकर कप्तान रोहित शर्मा तक खुश नजर आए। उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों में 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से 103 रन ठोक डाले। उन्होंने इस पारी के दौरान 11 चौके और 6 छक्के जड़े, जिसमें एक बार फिर उन्होंने यह साबित किया कि क्यों उनको मिस्टर 360 कहा जाता है। एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो गेंदबाज से नहीं बल्कि फील्डर से खेल रहे हों। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव के द्वारा खेले गए इस इनिंग के बाद मुंबई इंडियंस के सारे सीनियर से लेकर जूनियर खिलाड़ी तक और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सूर्य कुमार यादव के इस पारी की सराहना कर रहा था, और इनके बल्लेबाजी की चमक से एक बार फिर आज पूरा वानखेड़े चमकता नजर आया। आपको बता दें पिछले मुकाबले में गुजरात के राशिद खान ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर वापस पवेलियन भेजा था, वहीं आज जब राशिद खान सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करने आए तो उनका भी इस मुकाबले में कुछ नहीं चल सका। आपको बता दें जहां एक तरफ लाजवाब गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के 4 खिलाड़ियों को राशिद खान ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, वहीं आज उनको भी सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करते हुए सूर्य की तपिश का सामना करना पड़ा। शायद यही कारण था कि आज राशिद खान हो या फिर मोहित शर्मा या फिर गुजरात के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी, सभी को सूर्य कुमार यादव ने बराबर सेट किया और न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि मुंबई की पारी को 218 रनों तक पहुंचाने में सफलता पाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस को इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जिताने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, वहीं इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।